उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में थाना कर्मा पुलिस द्वारा कुल 100 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा पकड़ी गई हेरोइन की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई गई है। जनपद सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर इधर काफी दिनों से पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दृष्टिगत निरंतर पुलिस को सफलता मिलती चली जा रही है। अब विगत कुछ दिनों में लगभग आधे करोड़ रुपए तक की अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी अब तक हो चुकी है। इसी क्रम में कल जनपद की थाना कर्मा की पुलिस टीम को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। लगभग 10 लाख कीमत वाली ये अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उस गिरफ्तारी में एक हमारा वांछित फरार भी हो गया है, जिसकी पुलिस द्वारा विवेचना करके उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि ये निरंतर जो कार्रवाई पुलिस द्वारा कराया जा रहा है, इससे जनपद सोनभद्र में ये जो अवैध कारोबार चल रहा है इस पर रोक लगेगी और अपराध को भी हम नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त करेंगे।